गोरखपुर जिले के दो लोकसभा सीटों के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम कोर्ट और एडीएम एफआर के कोर्ट में नामांकन प्रक्रिया का दौर चल रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे नामांकन प्रक्रिया की निगहबानी सीसीटीवी के माध्यम से की जा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे नामांकन परिसर में पुलिस के अलावा अधिकारी पल पल व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव सहित पुलिस के अन्य जवान मुस्तैद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया, जी बिल्कुल। जैसा कि आपको पता ही, नामांकन चल रहा है 22 तारीख से, आज तीसरा दिन है और कल प्रमुख पार्टियों का लगभग आज हो गया है, आज भी दो नामांकन हो गए हैं और इसके लिए पूरे पुख्ता इंतजाम है। आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग भी लगी है, सादी वर्दी में लोग तैनात हैं, सीसीटीवी कैमरा सभी तरह से निगरानी की जा रही है और अभी तक के सकुशल चल रहा है और आगे भी सकुशल चलेगा। हम चुनाव आयोग के आदेशों के तहत चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह उसका पालन कराने के लिए कटिबद्ध है।